how do we see the situation on Palestine or our position on that? Our policy in this regard has been long-standing and consistent. India has always advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine. मोदी की पीपनी चाहे जितनी बजा ली जाए, सड़कों पर इजराइल के लिए प्रोटेस्ट निकाला जाए, मंदिरों में आरती की जाए, उसके लिए पीस की आवाजें उठाई जाए, लेकिन भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया है। फिलिस्तीन के साथ हो रही नाइंसाफी के लिए नेहरू, गांधी, वाजपेयी से लेकर तमाम हमारा इतिहास उठाकर जब भी आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि हर किसी ने फिलिस्तीन के साथ हो रहे गलत का ही साथ दिया, कि फिलिस्तीन मजलूम है, इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल को अपने कदम पीछे खींचने चाहिए। और उसके बाद 2014 के बाद के भारत में मोदी जी का पूरी तरीके से जो उजागर हुए, उस उजागर में उन्हें लगा कि इजराइल का समर्थन कर देने से 2024 के चुनाव में उन्हें फायदा हो जाएगा। अब सोशल मीडिया के हिसाब से अगर सरकारें चलती तो फॉरेन पॉलिसीज को डब्बे में बंद करके रखने का दौर आ जाता, लेकिन आज ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये क्लियर कर दिया है कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। भारत का स्टैंड वही है जो इतिहास में भारत का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ रहा है। आपको बता दें कि ANI ने ये ट्वीट लिखा है और ट्वीट में साफ तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल की बात को कोट करते हुए लिखा गया है कि आर पॉलिसी इन दिस रिग्रेट्स हैज बीन लॉन्ग स्टैंडिंग एंड द कांस्टेंट इंडिया हैज ऑलवेज एडवोकेटेड रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट नेगोशिएशन टूवर्ड्स स्टीम सेवेज इंडिपेंडेंट vibe state of Philistine lives within the secure recognized borders side by side at the peace with the Israel minister of external affairs। अब उन तमाम लोगों को खोज कर लाने का वक्त है कि जब साफ तौर पर कह दिया कि भारत एडवोकेट करता है इजराइल के साथ लॉन्ग लास्टिंग स्टैंड के साथ, जो इंडिया का हमेशा से उस पॉलिसी के साथ रहा है। और इसी के साथ रिटायर IPS अफसर ने एक ट्वीट कर सारे अंधभक्तों को जगा दिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अंधभक्तों के लिए बर्नौल का वक्त आ चुका है। फिलिस्तीन पर भारत सरकार का आधिकारिक तौर पर बयान आ गया है। हमने हमेशा से एक संभू स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए सीधी बातचीत शुरू करने की वकालत की है। अब अंधभक्त, BJP, IT सेल जो इजरायली के लिए दिन रात डपली बजा रहे थे, अब उनके लिए बर्नौल का वक्त आ चुका है। सब यूनिवर्सिटी से पढ़कर अपने आप को PhD स्कॉलर समझने वाले समझदारों को ये समझ लेना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग ही देश चला सकते हैं और पढ़े लिखे लोग अपनी उस पॉलिसी का इस्तेमाल करके ही अपने स्टैंड को क्लियर कर चुके हैं कि भारत अपने पुराने फैसले यानी फिलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और इजराइल से वो पीस की डिमांड करता है। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।